ऑल राइट गाइज, तो आज अगर मैं आप लोगों के साथ में मिस्टर ओलंपिया 2024 की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करूं, तो सैमसन तौदा ने दोस्तों रिसेंटली अपना जो कंप्लीट फिजिक अपडेट है अपर बॉडी का वो हमारे साथ में शेयर कर दिया। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही टाइम पर सैमसन तौदा अपनी फिजिक को रिवील करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने तो बीच में हादी चुपन और डेरेक लंसफोर्ड को भी इस चीज़ के लिए बोला कि आइए और आप भी मेरे साथ में अपना अपडेट शेयर कीजिए अगर आप में दम है तो। लेकिन नहीं, हादी और डेरेक ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और अपनी फिजिक को बचा के रखा ओलंपिया प्रीसीजन के लिए। दोस्तों मैं बात करूं सैमसन की फिजिक के बारे में कि इस अपडेट के अंदर सैमसन तौदा कैसे हमें दिखाई दी और क्या इस बात के चांसेस हैं कि वो बन सकते हैं मिस्टर ओलंपिया 2024 के विनर। तो अपडेट ये दोस्तों अपने आप में काफी अच्छा है। यहाँ पे अच्छी हार्डनेस और अच्छा साइज सैमसन ने अपनी बॉडी के ऊपर शो किया, बट अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों इतना इनफ नहीं रहेगा अगर आपको विन करना है मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, क्योंकि कंडीशनिंग हमें इस अपडेट के अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे दिखाई दी। हालांकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बॉडी बिल्डिंग में एथलीट्स की बॉडी घंटों के हिसाब से चेंज होती है, बट फिर भी यही कहूंगा कि कितनी भी चेंज हो जाए बट वो हादी और डेरेक को नहीं हरा सकती। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है कल रात को ही, जिसकी की एक कम्प्लीट वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ में इस चैनल के ऊपर शेयर कर दी है। तो आप लोग भी दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय करना, बट फिलहाल हम अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, टोटल ओलंपिया की प्रीसीजन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रात 10:30 बजे के करीब आपको देखने को मिलेगी टोटल मिस्टर ओलंपिया की प्रीसीजन। तो आज रात 10:30 बजे आप सभी तैयार रहना दोस्तों, हम आपके साथ में ओलंपिया के सारे अपडेट शेयर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करें रेमोन दिनो के बारे में, तो कल दोस्तों रेमोन दिनो ने भी अपना कंप्लीट फिजिक अपडेट प्रो मीटिंग के टाइम पर एथलीट्स वेट चेक इन के टाइम पर हमारे साथ में शेयर कर दिया था। दोस्तों फिजिक इनकी काफी तगड़ी हमें दिखाई दी, ओवरऑल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने यहाँ पे शो की, अच्छे से पीक इनकी बॉडी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार ऑन स्टेज रेमोन दिनो काफी बढ़िया कंडीशनिंग लेकर आएंगे एंड डेफिनेटली कंडीशनिंग के मामले में ये अपने लास्ट ईयर वाले सबसे बेटर पैकेज को भी बीट कर देंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर भी दोस्तों काफी कमाल का दिखाई दिया इनके इस अपडेट में, और सच बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग परसों एक बहुत ही टफ फाइट हमें देखने को मिलेगी सीवम वर्सेस वैसली वर्सेस रेमोन दिनो। और आप लोगों के भी दोस्तों रेमोन दिनो के इस फिजिक अपडेट के बारे में क्या थॉट्स हैं आप लोग हमारे साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में हमें रेमोन दिनो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया, और लुक फेस का लुक जो डेथ लुक होता है दोस्तों वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका इस बार काफ़ी हार्डली दिखाई दिया। आई मीन बॉडी बिल्डिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखने वाला कोई भी बंदा इनके फेस को देखकर इनकी ओवरऑल बॉडी का अंदाजा लगा सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कुछ लोगों ने इस चीज़ की डिमांड की थी कि मैं सीवम के वेट चेक इन वाला जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो दोस्तों वेट चेक इन काफ़ी अच्छे से रहा सीवम को और कोई भी इश्यू हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि इस बात में यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है कि वेट चेक इन में सीवम को हमेशा ही एक VIP की तरह ट्रीट किया जाता है। एक तरफ फिर जहाँ बाकी एथलीट्स को अपने कपड़े वगैरह उतार के वेट चेक इन देना पड़ता है, बट सीवम के केस में ऐसा नहीं है, उनको बिल्कुल VVIP की तरह ट्रीट करते हुए कपड़ों के साथ ही उनका वेट चेक इन कम्प्लीट कर लिया जाता है। एंड सीवम का भी दोस्तों इस बार नया हेयर स्टाइल नया लुक हमें दिखाई दिया ओलंपिया 2024 में, और इसी के साथ पता नहीं क्यों सीबम ने डेरेक लंसफोर्ड के साथ में जो वो वाले डिब्बे होते हैं ना जिसके अंदर जो शादियों में जो DJ लगाए जाते हैं उसके बॉक्सेस के ऊपर लेट के ये वाला वीडियो शूट किया। हालांकि अभी भी ये वीडियो दोस्तों मुझे समझ नहीं आई कि आखिरकार इसको शूट करने की क्या जरूरत थी। हालांकि आप लोग दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अपने जो थॉट्स हैं वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में वेट चेक इन के टाइम पर अपने करंट मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन रायन टेरी का भी जो करंट फिजिक अपडेट है कंप्लीट फिजिक अपडेट है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों करंटली रायन टेरी हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। वैसे कंडीशनिंग वाइज दोस्तों करंटली ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और विदाउट फेस पीछे से देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन की बॉडी होगी, बट एज यू नो कार्ब्स लोडिंग के बाद में बॉडी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो अभी वेट कीजिए दोस्तों कि आखिरकार कैसा लास्ट पैकेज आता है रायन टेरी का उनकी साइड से ओलंपिया स्टेज। इसके अलावा दोस्तों ओलंपिया स्टेज से एक और अपडेट हमारे सामने निकल के आया है मार्टिन फिट्ज़वाटर का, जिन्होंने कि अपने लेग्स का अपडेट हमारे साथ में शेयर किया। दोस्तों करंटली अच्छा साइज और बढ़िया सेपरेशन इनके इस अपडेट में शो हो रही है, और उसी के साथ ध्यान से देखने पर काफी बढ़िया जो सेपरेशन है वो भी आपको इनकी लेग्स पे नोटिस हो जाएगी। और पहले थोड़ा थोड़ा दोस्तों इनके जो लेग्स हैं वो इनके वीक पॉइंट माना जाता था, बट फिलहाल हम देख पा रहे हैं काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट्स इन्होंने अपनी लोअर बॉडी पर की है एंड डेफिनेटली ये टॉप 10 क्रैक करेंगे इस साल ओलंपिया में।
इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मेंस फिजिक कैटेगरी की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका भी अपडेट दिखाना चाहता हूं कि रायन टेरी और इनिन बैंक्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। तो आप लोग इस वीडियो को भी इंजॉय कीजिए, मैं आपको मिलता हूं अपनी नई वीडियो के साथ। With the title, is the crown a little bit heavier? Did you run into some obstacles trying to defend the title this year? Yeah, I must admit, it was a very different year this year. Obviously, this is my 10th Olympia, and every other Olympia, I've always been the underdog, working in the silence, never really had the limelight on me, and that's always worked to my favour. I've always liked to be the guy working in the shadows. So this year, winning it, obviously, going to the Arnold in Ohio, realising I had a massive target on my back now, things had to change and my mindset had to change. And I had to start thinking like a champion and start embracing it. And that's exactly what I did. So this year has gone extremely fast. I can't believe we're saying a year later, we're here now. But I'm more determined than ever. And if I'm honest, I was actually worried about that. Would I still have that same drive? Because 10 years trying to get the title, to then win it, would I still have that same drive to go back for it? And I can't believe, I feel like I'm a young athlete again, starting all over again, because yeah, this year has been phenomenal. The training, just the mindset, the focus. I cannot wait for Saturday to get back up there. Aaron, how about you chasing to recapture the title? How's that journey been? It's been amazing, you know. Just coming off of the Dubai Pro win and doing that and just getting the feedback from the judges from, hey, just bring the conditioning. We love the improvements that you've done so far. So, you know, chasing it.